तो फ्रेंड्स चलिए आज बनाते हैं खट्टी मीठी इमली से खट्टे मीठे पानी, वो भी गोलगप्पों वाली। तो कैसे मार्केट में बनती है और झटपट से अगर वो चीज़ें ना हो घर पर तो कैसे बना करके हम रेडी कर लें और उसका लुत्फ़ उठा सकें। सबसे पहले यहाँ पर मैंने थोड़ी सी इमली ली हुई है, देख सकते हो आप लोग। इसे हमें भिगो देना है पानी में अच्छे से। यहाँ पर मैंने लगभग 1 से 1.5 कप पानी लिया हुआ है और इसी पानी में हमें भिगो करके रख देना है यहाँ पर साइड में ढक करके। चलिए तब तक कि बाकी की प्रिपरेशन कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बाउल में चाहिए उबले हुए मटर। तो यहाँ पर मटर को मैंने 1 सीटी लगा करके अच्छे से उबाल लिया हुआ था और यहाँ पर मटर को अच्छे से बिल्कुल हमें उबाल देना है। देख सकते हो आप, मैं फोड़ करके एक दिखा देती हूँ। इस तरह से अच्छे से बिल्कुल हमारा मटर मैश करने पर मैश हो जाना चाहिए। इसे सख्त नहीं हमें रखना है, बिल्कुल अच्छे से उबाल लेना है। इसी के साथ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ आलू। आलू को एक उबला हुआ आलू जिसे मैंने अच्छे से हाथों से रफली बस मैश कर लिया, क्योंकि जब हम फुल्की या गोलगप्पे खाते हैं तो उसमें थोड़े थोड़े हमें आलू के भी पीसेस खाने को मिलते हैं जो कि काफ़ी स्वादिष्ट लगते हैं। तो इसके साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच प्याज, 1 चम्मच टमाटर बिल्कुल बारीक कटा हुआ, लगभग 3 चुटकी के आसपास मैंने डाली हुई काली मिर्च पीस करके। और साथ में ही मैं इसमें 1/3 टीस्पून चाट मसाला ऐड कर रही हूँ। थोड़ा सा तीखा के लिए आप हरी मिर्च ऐड कर सकते हैं चाहे तो बारीक कट करके। मैं यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी वाली और स्वाद के अनुसार नमक ऐड कर रही हूँ। अगर आपको लहसुन और अदरक खाना पसंद है तो आप वो भी यहाँ पर पेस्ट या अदरक बिल्कुल बारीक कट करके या घिस करके डाल सकते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद साइड में रख लेंगे। अब फुलकियाँ बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ये पैकेट्स वाली ली हुई हैं जो नॉर्मली की मार्केट्स में आजकल बहुत ही आसानी से मिल जाती है। तो यहाँ पर मैंने 2 पैकेट ली हुई हैं। एक पैकेट में लगभग 20 से ऊपर ही लगभग इसमें रहती हैं, 15 से 20 तो रहती ही रहती थी। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट्स ली हुई हैं और इन्हें मैं रख देती हूँ। चलिए इसे फटाफट से फुलकियाँ बनाते हैं। फुलकियाँ बनाने के लिए सबसे पहले बात जो ध्यान रखनी है वो ये है कि आपका तेल अच्छे से बिल्कुल गर्म होना चाहिए। और जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तो इसमें एक एक फुलकियों को एक एक पीसेस करके डालती रहिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैंने एक और चीज़ इसमें एक्सपीरियंस किया कि आपकी फुलकियाँ ना कुछ ज़रूरी नहीं सारी की सारी फूलें, कुछ फूल रही थी कुछ नहीं फूल रही थी, तो कुछ पापड़ी की जैसे बन जा रही थी। तो अब जैसा भी मटेरियल हो अब उसके लिए क्या कर सकते हैं। यहाँ पर तो मैंने पैकेट्स वाली लाई थी, बहुत ज़्यादा नहीं ख़राब गया था लेकिन फिर भी लगभग 4 से 5 तो ऐसा निकल ही जा रहा था एक पैकेट में कि वो नहीं फूल रही थी। जो नहीं फूली थी मैंने वो वाली बीच में आपको स्किप दिखा रही ताकि आपको पता चले कि हाँ जो मार्केट से लाते हैं ना उसमें से सारी की सारी नहीं फूलती हैं। कुछ कुछ होती हैं जो कि पापड़ी की तरह ही रह जाती हैं और कुछ कुछ होती है जो गुब्बारे की तरह बिल्कुल फूल जाती है, जैसे कि फूल गई हैं। इस तरह से मैंने सभी को अच्छे से गर्मा गर्म तेल में एक एक दो दो करके अच्छे से बिल्कुल फ्राई कर लिया हुआ है और यहाँ पर पूरा प्लेट भर करके मैंने फुलकियाँ निकाल ली हुई हैं। इसी के साथ जो हमने इमली को रखा हुआ था भिगो करके तब तक वो भी अच्छे से फूल गई हैं, हाथों से अच्छे से बिल्कुल मैश करेंगे और सारा इमली का पल्प हमें यहाँ पर निकाल लेना है। इसी के साथ हमें क्या करना है, जैसे ही पानी में पल्प अच्छे से मिक्स हो जाएगा खुजियाँ और बीज जो इमली के रहेगा उसे या तो छान लीजिए या तो हाथों से इस तरह से निचोड़ करके यहाँ पर हमें अलग कर लेना है। तो मैं यहाँ पर अभी हाथों से अच्छे से निचोड़ करके इसमें से जो भी खुजी या बीज वगैरह हैं उन्हें निकाल रही हूँ। इसके बाद से मैंने यहाँ पर नाप करके 1/2 लीटर पानी डाला हुआ है, लगभग 2 कप के हिसाब से आप समझ सकते हो पानी मैंने इसमें और डाला हुआ है। 1 से 1.5 कप हमने पहले से डाला हुआ था और साथ में हम यहाँ पर 2 कप पानी और ऐड कर रहे हैं। इसी के साथ मैंने इसमें डाली हुई 1/2 चम्मच जलजीरा पाउडर, 1 चम्मच टमाटर और 2 चम्मच बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज, धनिया हो तो वो भी यूज़ कीजिएगा। हाँ, उसके साथ में मैंने 2 से 3 चुटकी लगभग इसमें काली मिर्च पाउडर यूज़ की हुई। और हाँ, एक चीज़ मैं सजेस्ट करूँगी फ्रेंड्स, प्लीज से अगर आपके पास धनिया हो तो धनिया की चटनी बना करके ज़रूर से ऐड कीजिएगा इसमें। इससे बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा, बिल्कुल मार्केट वाला लगेगा आपका पानी। और इसके साथ में ही मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ थोड़ी सी सेम यानी भुजिया। अगर आपके पास बूंदी हो तो बूंदी डाल लीजिए, मेरे पास नहीं थी तो मैंने यहाँ पर भुजिया डाली थी। काम चला लिया था कैसे भी, बस खाने का मज़ा लेने के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, अच्छे से सभी चीज़ों को मिक्स कर लिया। और साथ में ही मैं यहाँ पर थोड़ी सी हरी मिर्च को बिल्कुल छोटे छोटे पीसेस में काट करके ऐड कर रही हूँ। तो अगर आपको तीखा पसंद है तो ऊपर से मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट करके इसे डाल देंगे और इसे भी एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद से क्या, बस फुलकियाँ उठाइए और इन्हें ऊपर वाले हिस्से को फोड़िए और इसमें मसाला ढेर सारा अपना मनपसंद का भर लीजिए और फिर इसमें डालिए पानी और बस इसका लुत्फ़ उठाइए। तो लीजिए, घर पर ही फर्स्ट क्लास की झटपट से बन गई हैं फुलकियाँ। बना करके खाइए, इंजॉय कीजिए और हो सके तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि बार बार आके देख तो लेते हो आप वीडियो पर, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो भूलिएगा मत, सब्सक्राइब करके ज़रूर से जाइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, मैं तो चलिए पूरा प्लेट भर के खाने के लिए। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।